गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, टुडे लेसन नंबर 5, सिंधवाद इन डायमंड वैली यानी सिंधवाद हीरे की घाटी में। सिंधवाद वाज ए ग्रेट सेलर, सिंधवाद एक बहुत ही महान नाविक था। ही लव्ड एडवेंचर यानी वह बहुत ही साहसी काम करना पसंद करता था। एंड रिस्की डीड्स और जो खतरनाक काम करना। ही लिव्ड इन बगदाद, वह बगदाद में रहता था। एंड अंडर टुक मैनी सी जर्नीज और उसने बहुत सारी समुद्री यात्राएं की थी। ही वांटेड टू गो टू अननोन लैंड्स, वह उन जगहों पर जाना पसंद करता था जहां पर कोई गया ना हो या जो अनजान हो। एंड लाइक टू सी द पीपल ऑफ द डिस्कवर्ड लैंड और वहां के लोगों को देखना पसंद करता था जो वह ज़मीन को खोजता था। इन्हें वे इसी तरीके से देर बाज ए फायर इन एज हर्ट फॉर गोइंग टू न्यू लैंड्स यानी उसके दिल में आग रहती थी क्या, यानी वह हमेशा जागृत रहता था कि किसी दूसरी जगह खोज करने या जाने के लिए। ऑन वन सच जर्नी ठेक इसी प्रकार की एक यात्रा में ही शिप टच्ड ए डेजर्ट आइसलैंड यानी उसका जो जहाज था एक रेगिस्तानी द्वीप में को छूता है। सिंधवाद एंड हिज कंपनियंस, सिंधवाद और उसके जो साथी थे वर वेरी हंग्री बहुत ही भूखे थे। ऑन द शोर किनारे पर दे सा मैनी फ्रूट लेडन ट्रीज, उन्होंने बहुत सारे फलों से लदे हुए पेड़ देखे। दे वेंट टू द ट्रीज, वह पेड़ों के पास गए। टू ईट देयर फ्रूट्स, उनके फल खाने के लिए। सिंधवाद फेल्ट स्लीप यानी सिंधवाद को क्या हुआ, नींद आने लगी। एंड स्लेप्ट अंडर ए साइडी ट्री और एक छायादार पेड़ के नीचे सो गया। वेन ही वेक अप, जब वह उठा, ही फाउंड यानी जब वह जागा तो उसने देखा दैट की हिज कंपनी उसकी जो कंपनी या साथी थे हैड लेफ्ट विदाउट हिम, उसके उसको वहीं पर छोड़ कर गया वह चले गए। ही सिप हैड सेल्ड अवे यानी उसका जो जहाज था वह दूर चला गया। एंड ही वाज ऑल अलोन ऑन द आइसलैंड, अब वह उस द्वीप पर अकेला था बिल्कुल। आई जी वाज वॉकिंग अलॉन्ग द शोर, जैसे वह किनारे पर टहल रहा था। ही सा ए बिग वाइट एंड राउंड ऑब्जेक्ट यानी उसने एक बहुत ही बड़ा सफ़ेद गोलाकार चीज देखी। लेइंग ऑन द सैंड, जो रेत पर पड़ी थी। सिंधवाज थाट, सिंधवाज ने सोचा दैट की इट माइट बी द रूफ ऑफ सम हाउस यानी यह किसी घर की ये छत होगी। ही ट्राइड टू फाइंड द वे टू गेट इनसाइड, उसने इधर उधर देखा यानी क्या रास्ता खोजने की देखा कि इसके अंदर कैसे जाया जाए। बट ही कुड नॉट, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। ही ट्राइड टू क्लिंब अप इट, उसने उस पर चढ़ने की भी कोशिश की बट लेकिन इट वॉज टू स्मूथ, लेकिन वह बहुत ही अधिक चिकना था इसलिए वह चढ़ नहीं पाया। सडनली अचानक ही द स्काई बिगैन टू लुक डार्क यानी जो आसमान था वो क्या से दिखने लगा, डार्क अंधेरा होने लगा। ही लुकड अप, इसने ऊपर देखा। ही सा ए जियंट बर्ड फ्लाइंग टुवर्ड्स हिम, एक बहुत ही विशाल पक्षी उसके ऊपर उड़ रहा था। इट वॉज बिग एज द सेल ऑफ ए शिप, ये एक जहाज पानी के जहाज होता उसके समान था। जो इट वॉज द रॉक, ये रॉक जो पक्षी होता अरब सा जो अरबियन क्षेत्र में पाया जाता। सिंधवाद हैड हियर्ड फ्राम द सेलर्स यानी सिंधवाद ने नाविकों से सुना था अबाउट दिस बिग बर्ड, इस बड़े से पक्षी के बारे में। ही एट वंस रिमेम्बर्ड दैट इट वॉज द रॉक्स एग्स, एक पल में उसे याद आ गया कि यह रॉक्स का एग यानी कि अंडा है। ही नाउ अंडरस्टूड, अब वह समझ गया दैट कि ही हैड वॉक्ड इंटू रॉक्स नेस्ट यानी कि वह समझ गया कि वह राख के घोंसले में है। ही वॉज एफ्रेड ऑफ द बिग बर्ड, वह बड़े पक्षी से डर रहा था। ही हाइड हिमसेल्फ बिसाइड द एग, उसने अंडे के पीछे अपने आप को छिपा लिया। ऑल द नाइट, पूरी रात। द बर्ड सैट ऑन हर एग, जो पक्षी था वो अपने अंडे पर बैठा रहा। सिंधवाद यूज टू टाइम इन थिंकिंग,
सिंधबाद ने किया क्या, उतने समय में कुछ सोचा। हाउ टू गेट अवे, कि किस प्रकार से यहाँ से जाया जाए या निकला जाए। ही टाइड वन एंड ऑफ इस टर्बन, यानी उसने पगड़ी का एक छोर किस में बांध दिया, टू द बर्ड्स लेग, यानी पक्षी के पैर में। देन ही टाइड द अदर एंड टू हिज वेस्ट, यानी एक छोर जो पगड़ी का था उसने क्या किया, या गमछा होता है, एक छोर बांध दिया उस पक्षी के पैर से और दूसरा जो छोर था वो बांध लिया अपने कमर में। एज द बर्ड फ्लू अवे, जैसे पक्षी उड़ेगा, सी कैरिड सिंधबाद विल धर, जो वह अपने साथ सिंधबाद को भी ले जाएगी। दैट्स, इसका जो सेकेंड पार्ट है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। थैंक यू।